हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक्नोबिस्ट इंडिया। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं विंडोज 11 को। सॉरी, वही बोलने की आदत हो गई, बट आज अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, कुछ फीचर्स देखेंगे विंडोज 11 के। तो विंडोज 11 जो है ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है अक्टूबर 5, 2021 को। तो मेरे सिस्टम में भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने कर लिया। तो शायद जितने भी विंडोज 10 के एक्टिव यूजर्स है उनको ऑटोमेटिकली अपडेट आ रहा है विंडोज 11 अपग्रेड का, तो आप भी कर लीजिएगा, बहुत सही है। फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, लुक एंड फील तो बहुत बहुत सही है। तो मैंने भी इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे चेंज लगा इसमें वो था हमारा टास्क बार। तो वो टास्क बार को कैसे कस्टमाइज़ करना है, उसे कैसे गुड लुकिंग बनाना है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम कवर करेंगे जो टास्क बार कस्टमाइजेशन के जितने भी फीचर्स है वो सब हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद टास्क बार आइकन की साइज़ कैसे कम ज़्यादा करें, या टास्क बार को लेफ्ट में या टॉप में कैसे सेट करें, ये भी देखेंगे। और उसके बाद रही सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है हमारा टास्क बार ट्रांसपेरेंट करके उसे एकदम तोड़ू लुक कैसा दे, ये भी देखेंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे जो लाल बटन है उसे दबा दबा के तोड़ दीजिएगा, मेरे को बहुत खुशी होगी। और मैं इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहता हूँ, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा बढ़ते हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको देखने मिलेगा हमारा जो टास्क बार है वो सेंटर में है, बॉटम में है, ठीक है। तो अभी हम इसको कस्टमाइज़ कैसे कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम विंडोज़ बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेटिंग्स। तो सेटिंग्स टाइप करने के बाद आपके सामने ये सेटिंग्स ओपन हो जाती है। उसमें हम सिलेक्ट करेंगे पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे कलर सेव करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चूज योर मोड। तो यहाँ पे तो मैंने डार्क सिलेक्ट करके रखा हुआ है, बट आप यहाँ पे लाइट या कोई कस्टम मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको देखने मिलेगा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। तो ये तो मैंने ऑन रखा है, अगर मैं इसे ऑफ करूँगा तो ये जो भी है आपका मोड सिलेक्टेड है वो कलर ले लेगा, ठीक है। तो मैं इसे फिलहाल के लिए ऑन ही रखता हूँ क्योंकि मुझे ऑन सही लग रहा है। उसके नीचे आपको देखने मिलेगा एक्सेंट कलर। तो एक्सेंट कलर मैंने ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है फिलहाल, बट अगर आपको कोई मैनुअल कलर सिलेक्ट करना है तो आप वो कर सकते हो। और उसमें भी आप कस्टम कलर सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके कस्टम कलर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका स्टार्ट एंड टास्क बार को अगर आपको सेम कलर देना है आपका एक्सेंट का, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके साथ आपका जो भी विंडो आप ओपन करते हो उसका टाइटल बार जो होता है, वो टाइटल बार को भी अगर आपको वही कलर देना है तो आप इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो टास्क बार का पर्सनलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद वापस नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे टास्क बार पे क्लिक करना है। टास्क बार पे क्लिक करने के बाद देखिए चार जो आइकन्स है एप्लीकेशन के वो आपको सामने दिखेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे विंडोज़ का डिफॉल्ट आइकन तो है ही, तो उसके साथ ये चार आइकन यहाँ पे ऑन है, इसके लिए हमें नीचे दिख रहा है। तो अगर आप ये नहीं चाहिए आपको तो आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हो, और मुझे तो पर्सनली नहीं चाहिए तो मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखने मिलेगा यहाँ पे टास्क बार कॉर्नर आइकन्स। तो टास्क बार और कॉर्नर आइकन्स ऑन करके क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे टच कीपैड है, ठीक है, टच कीबोर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो टच कीबोर्ड पे ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे एक टच कीबोर्ड आ गया है। तो अगर आप इसे कोई टच डिवाइस पे यूज़ कर रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये एक वर्चुअल कीबोर्ड की तरह है। यहाँ पे अगर आप ऑफ़ करोगे तो ये सिंबल नीचे से हट जाएगा आपके टास्क बार से। उसके नीचे आपको देखने मिलेगा टास्क बार कॉर्नर ओवरफ्लो। तो जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं जो आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, तो आपको ये पर्सनलाइज करके अगर यहाँ पे सेपरेटली दिखाना है तो आप यहाँ पे इसे ऑन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मेरा क्रोम का आइकन जो है यहाँ से हटके यहाँ पे सेपरेटली आ गया है। तो यहाँ पे आप ऑफ भी कर देंगे तो भी आपके एप्लीकेशन कंटिन्यूसली रन रहेंगे और यहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। उसके नीचे देखिए टास्क बार बिहेवियर्स, ये जो सेटिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ढांसू सेटिंग है। तो चलिए देखते हैं ये सेटिंग में हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने मिलता है टास्क बार अलाइनमेंट। तो जो विंडोज 10 में हमारा टास्क बार रहता था वो लेफ्ट साइड में रहता था, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो आपके जो भी टास्क बार के एप्लीकेशन आइकन्स है वो लेफ्ट में अलाइन हो जाएंगे, बट पर्सनली मुझे सेंटर में सही लग रहा है तो मैं सेंटर में ही रखता हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। तो अगर आप टास्क बार यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, जैसे ही आपका कर्सर जो है टास्क बार पे जाएगा तो टास्क बार विजिबल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शो बैजेस। तो जैसे कि कोई एप्लीकेशन आपका रनिंग है, जैसे कि मेरा यहाँ पे क्रोम है, यहाँ पे टास्क बार पे आपने पिन करके रखा हुआ है, उस एप्लीकेशन पे अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन आता है तो उसके बैजेस आएंगे। जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको आते हैं कि एक चैट के ऊपर अगर 2 मैसेजेस 3 मैसेजेस, तो ऊपर जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है 3 मैसेजेस, वैसा इस पर आपको नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है सिलेक्ट द फार कॉर्नर ऑफ द टास्क बार टू शो डेस्कटॉप। तो आपको पता ही होगा, आप यहाँ पे एकदम कॉर्नर में आके
आपका डेस्कटॉप जो नॉर्मल है वो आप देख सकते हो, वही ऑप्शन है, तो आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। आपको अगर वो चाहिए तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा, नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सेटिंग जो हम विंडोज 11 के सेटिंग फीचर्स में हम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं जो है हमारा आइकन्स की साइज कैसे चेंज करना है, हमारा जो टास्क बार है उसे टॉप पे कैसे मूव करना है, ये सब अभी हमें देखना है। तो इसके लिए थोड़े गट्स चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ेंगी कुछ सेटिंग्स। तो अगर आप रेडी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है रजिस्ट्री एडिटर, ठीक है। रजिस्ट्री एडिटर सर्च करने के बाद उसे ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उसे आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये स्क्रीन ओपन होने के बाद आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे डीवर्ड 32 बिट वैल्यू सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये 32 बिट वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद उसे हमें नाम देंगे टास्क बार SI, ठीक है, टास्क बार SI नाम देंगे और इसे ओपन करके यहाँ पे वैल्यू देंगे। तो देखिए ये वैल्यू का मतलब समझ लीजिएगा, 0 मतलब स्मॉल आइकन्स, 1 मतलब मीडियम आइकन्स और 2 मतलब लार्ज आइकन्स। तो मुझे तो स्मॉल आइकन सेट करके चेक करना है, तो मैं यहाँ पे 0 ही रहने देता हूँ। 1 सेट करेंगे तो आइकन्स में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि जो आपके आइकन्स है वो मीडियम में ही है ऑलरेडी, तो मैं इसे 0 पे रहने देता हूँ और 0 पे करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद देखिए अभी भी आइकन्स में चेंजेस नहीं हुआ है, तो वो चेंजेस करने के लिए हमें सबसे पहले टास्क बार ओपन करना पड़ेगा। टास्क बार ओपन मैं कर लेता हूँ, टास्क बार का शॉर्टकट यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ठीक है। तो टास्क बार ओपन करने के बाद हमें फाइल मैनेजर जो है वो एक बार रिस्टार्ट करना है। बट देखिए यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर हमारा नहीं दिख रहा है, तो वो दिखने के लिए मैं यहाँ से एक रैंडमली ओपन कर लेता हूँ। देखिए अभी हमें यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, तो इसे मैं यहाँ पे रिस्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए आपको नीचे मेरे आइकन्स दिख रहे हैं, आइकन्स की साइज़ जो है वो स्मॉल सेट हो चुकी है, तो वैसे ही आपको लार्ज भी चाहिए तो आप लार्ज के लिए वहाँ पे वैल्यू आपको 2 सेट करने हैं। तो फिलहाल के लिए इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों आइकन की साइज़ हमने चेंज कर ली, तो अभी हमको आइकन्स जो है हमारा पूरा टास्क बार जो है वो हमें टॉप पे मूव करना है, वो कैसा करना है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ वो आपको कॉपी करनी है और आपके रजिस्ट्री एडिटर में आपको कॉपी पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्री एडिटर ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे मैं वो लिंक जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ। ये लिंक पेस्ट करके आपको एंटर क्लिक करना है, कुछ ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये विंडो पे देखिए यहाँ पे सेटिंग करके लिखा हुआ है, उसे आपको ओपन करना है। और देखिए ये जो यूनिक वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको हमें चेंज करना है। तो ये जो 03 है FE में, उसे आपको अगर आपको टॉप में सेट करना है तो इसे 01 करना है, ठीक है। 01 करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। वापस हमें जो है हमारा फाइल एक्सप्लोरर एक बार रिस्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है टास्क मैनेजर ओपन है, बट अभी भी हमें यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बार वापस ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे शो करे। देखिए हमें हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी मैं इसे रिस्टार्ट करूँगा। देखिए मैंने मेरा विंडोज़ एक्सप्लोरर रिस्टार्ट कर लिया है और अभी आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा जो टास्क बार है वो टॉप में मूव हो चुका है। लेफ्ट या राइट में मूव करने का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, वो जल्दी अवेलेबल होगा। तो कैसे करना है वो इसके बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी हमारे 2 चीज़ें तो हो गई, हमने हमारा टास्क बार ऊपर मूव कर लिया, उसकी साइज़ कम कर ली। अभी हमें देखना है कि इसे फुल ट्रांसपेरेंट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक पे आपको जाना है, आपके क्रोम पे ओपन करना है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो जो लिंक है वो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सेम लिंक आपको क्रोम पे या फिर कोई भी ब्राउज़र पे आपको ओपन करना है। ये लिंक जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, उसमें आपको यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे रिलीज ज़िप को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको आपके डाउनलोड्स में जाना है, डाउनलोड्स में आपके ये जिप फाइल रहेगी, उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसे एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल जो आपके पास रहेगी रिलीज़ की, उसमें से आपको एप्लीकेशन फाइल ढूंढनी है और उसे रन करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन फाइल आपको ढूंढनी पड़ेगी, इसमें देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन फाइल है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है और अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट हम जो देख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट के बारे में देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अभी मैं आपको मेन स्क्रीन कैसे दिख रही है वो दिखा देता हूँ एक बार। तो विंडोज़ डी दबा देते हैं। देखिए अभी हमारा जो टास्क बार है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जो टास्क बार का कोई भी एक्सेंट यहाँ पे नहीं है, ये पूरी तरीके से
ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर आपको इसे बॉटम में चाहिए तो आप इसे बॉटम में रख सकते हो, टॉप में चाहिए तो टॉप में रख सकते हो, इस तरीके से आप ये सेटिंग्स यूज़ कर सकते हो। और चीज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगा, अगर ये एप्लीकेशन आपको कभी भी अनइंस्टॉल करना है तो देखिए यहाँ पे अनइंस्टॉल अगर ऑप्शन है उसे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अनइंस्टॉल पे वापस एक बार क्लिक करके येस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये एप्लीकेशन जो है वो तुरंत अनइंस्टॉल हो जाएगा, आपका जो विंडोज़ का जो टास्क बार है जो पहले की तरह वापस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये आप कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों विंडोज़ 11 में हमारा टास्क बार कैसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो आपको ये कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर हम एक गिव अवे लेके आ रहे हैं। तो उसके जो डिटेल्स है वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैं डाल रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पेज की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।